आलियोसा कितई दिनों बाद में, कितई इंतजार बाद में एक भर्ती आई थी और आई अजक पाछी खोल ली रही। देखो पशु परिचर भर्ती है जबकि स्थगित कर दी, आप सब लोग देख रहे हो, यानी मतलब एक ही आई थी और ये भी वापस चली गई। और हमें उम्मीद थी और हम उम्मीद जता रहे थे कि आचार संहिता है फिर भी कोई ना कोई वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि वित्तीय स्वीकृतियाँ काफ़ी भर्तियों को मिली हुई है तो कोई ना कोई एक आध वैकेंसी और आएगी, लेकिन जो आई हुई थी ये भी वापस चली गई। अब इसके फॉर्म वापस कब ओपन होंगे ये कोई पता नहीं है, लेकिन अब मैं आपके सामने ये रखने वाला हूँ कि भाई ये जो भर्ती स्थगित हुई है या नहीं हुई है, या फिर ये कोई फेक न्यूज़ है। अरे भाई फेक न्यूज़ नहीं है, ये रियल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके सामने नोटिफिकेशन है, बोर्ड द्वारा पशुपालन विभाग के लिए पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट, पहली बार कुछ नाम सुना सुना सा लग रहा, मतलब सुना था कि भाई ये इस प्रकार भी की भी कोई भर्ती है। सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन संख्या जो 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 है, और अब तो हम विज्ञापन ये जो संख्या है ये भी पढ़ के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। 6/10/2023 जारी कर अभ्यर्थियों से दिनांक 13/10/2023 से दिनांक 11/11/2023 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। मतलब किसी ने किया था क्या आवेदन आमंत्रित? शायद नहीं। उक्त ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि को राजनीतिक कारणों से अपरिहार्य कारणों से एतत द्वारा स्थगित किया जाता है। ठीक है, इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि के संबंध में नवीन दिनांक निर्धारित किए जाने पर यथा समय बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। विज्ञापन के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत रहेगी। और जो भी है XYZ पर यहाँ पे ये देखो ऑनलाइन आवेदन स्थगित किए हैं, ऑनलाइन आवेदन होने स्थगित हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब कब होंगे ये पता नहीं है। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन पुनः आवेदन कब होंगे इसका भी कोई पता नहीं है। ठीक है, तो हो सके तो आप अपनी तैयारी जारी रखो भाई, है ना, दबे दिल से दबे मन से, जैसा भी आपको फील तो लेनी ही पड़ेगी कि भाई भर्ती जा रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जाएगी कहीं नहीं, पर ऑनलाइन आवेदन अभी के लिए कुछ रोका जाएगा। और अब वापस कब शुरू होंगे? अब देखो एक बात और है बताऊँ आपको, आप नई भर्ती तो नहीं निकाल सकते अब, ठीक है, ये बोर्ड नई भर्ती तो नहीं निकाल सकती, लेकिन इसी भर्ती में आपको वापस डेट दे सकती है। ठीक है, तो दे देगी यार, चिंता मत करो, आप लोग जितना डराया जा रहा है उतना डरो मत बस। पर ये है गलत यार, मतलब आपको इनको अगर समय की ज़रूरत थी तो इन्होंने समय लिया था इन्होंने, लगभग आज से 7-8 दिन पहले इन्होंने कहा कि अपन 13 तारीख से फॉर्म शुरू करेंगे, तो फिर 7-8 दिन में अगर कोई प्रक्रियाएँ नहीं हुई तो फिर कब तक होगी, कितना टाइम लगता है इसमें ना, इतना खैर वो थोड़ा सा हमें लगता है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आपका ऑनलाइन आवेदन जल्दी शुरू हो वापस से, मैं ऐसी दुआएं करता हूँ, आशाएं करता हूँ। और बाकी जो अपनी तैयारी है वो आप रेगुलर रखें। ऑल द बेस्ट।